बस के लिए ऊपर वाला है ना, नमस्कार। अभी न्यू एरा एग्जीबिशन में हम लोग हैं हंसराज जी के साथ, जो लातूर से आए हैं, हंसराज वेंकटराव जी। और हंसराज जी का जो पेंटिंग्स है, जिसे कोला जी ने बताया है, इसमें लकड़ी है। और हंसराज जी खुद ही बताएंगे कैमरे में क्या है ये पेंटिंग, आप कैसे आपके दिमाग में आया इसके साथ। एक्चुअली मुझे बचपन का ये शौक है, वो कुछ नया नया अलग बनाने का। तो मैंने सोचा ये लकड़ी जो है इसके ऊपर नेचुरली एक टेक्सचर आया वाला है, राइट, नेचुरल। तो ये टेक्सचर लेके उसको अलग कुछ करने का दिमाग में आया, इसी वजह से वो काम, मतलब ये अपने इसको प्रिजर्व कर दिया है। हाँ, कर दिया इसका वो अभी यही थीम में। 2007 में स्टेट अवार्ड था, स्टेट अवार्ड मिला, स्टेट अवार्ड भी मिला। एक्सेलेंट, बधाई हो। ऐसा ही इसी वर्क में थोड़ा इधर देखेंगे सर, ये जो है ये कोई फॉर्म दिख रहा है, फिगर है, फिगरेटिव है उसमें। और ये जो है एक गॉसिप बोले तो एक फिगर का कम्युनिकेशन है, राइट। और आप आपस में बात कर रहे हैं सब लोग, ऐसा एक थीम लेके ये पूरा। तो आपको इसके लिए जंगल में आप जाते हैं, ढूंढना पड़ता है किधर का जंगल का लकड़ी ये अभी लातूर के, कभी भी रास्ते भी अगर कुछ मिल गया फॉरेस्ट में भी, जैसे आप जाएंगे जो जिधर एनिमल है वहां से भी लेके आते हैं। बराबर, इधर आते से इधर आएंगे। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट, ये भी ग्रामीण कल्चर है, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, शौक ग्रामीण कल्चर है ये। और एक कोलाज माध्यम से बनाया, सब मिक्स मीडिया है, उसमें कलर अलग अलग है। और वो कागज का टुकड़ा टुकड़ा लगा के सब मिक्स मीडिया बनाया, कंपोज किया। ये कौन सा वर्ष में, आप साल में बनाया ये? ये अभी अभी बनाया है, 5-6 महीने के। अच्छा, 5 महीने पहले। और एक और उधर भी सब चलते हैं, थोड़ा कम डिस्प्ले है इधर, लेकिन अलग अलग टाइप का डिस्प्ले है ये वाला। इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि ये कुछ बहुत लॉन्ग लॉन्ग फिगर्स है। हाँ, ये वुड में ही है, ये भी वुड है। और ये मिक्स मीडिया है पूरा, इसमें भी ऐसा ही वर्क किया वाला है, ग्रामीण कल्चर का ही है ये वुड। और जो ये कार्विंग है ये आप करे हैं, ये कार्विंग सब आपने करा है? एक्चुअली नेचुरली है, नेचुरल है। और जिस जगह पे नहीं है उस अंदर करना पड़ता, राइट। तो उसमें वो चीजें नेचुरली सब इफेक्ट नहीं मिलता, सब नहीं मिलता है। थोड़ा मिलने के बाद उसको इमेजिनेशन करके वो आगे पूरा बनाना होता है। तो अभी हंसराज जी थोड़ा सा कैमरे को देख के बताएंगे कि आप ये आर्ट में कभी आए, कौन सा आपने क्या वो एजुकेशन लिया? मैंने इसमें एटीडी किया है, आर्ट टीचर डिप्लोमा ड्रॉइंग में। ओके। उसके बाद मैं अभी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में इंसुली नंबर 5 एक गांव है, इंसुली गांव है। अच्छा। उनमें जिला परिषद पूर्ण प्राइमरी प्राथमिक स्कूल है इंसुली नंबर 5, उसमें मैं अभी टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे? आर्ट्स, पेंटिंग। आर्ट ही पढ़ाता हूँ। राइट, वेरी गुड। क्राफ्ट भी करते हैं? क्राफ्ट भी करते हैं, वेरी गुड। और ये सब मेरे स्कूल के स्टाफ जो है, केरकर सर, गावड़े सर, राहुल सर, माजगावकर सर, इन लोगों ने भी मेरे को सपोर्ट किया इधर आने के लिए। तो पहली बार आपको दिल्ली में ये लगा है? और सर ने, पोलाजी सर ने यही सपोर्ट किया है, इनकी वजह से हम इधर आए। मेरा पोलाजी से संपर्क हुआ था कुछ अभी लास्ट ईयर शेयर, छत्रपति शिवाजी का। हाँ, वो लोग रंगोली बना रहे थे इधर ही एक पास में, मावलंकर हॉल है। तो छत्रपति शिवाजी का जो अपने एमपी साथ थे उनका वो प्रोग्राम था। अच्छा। तो उसमें हम लोग जब शाम को गए तो वहाँ पे उनसे मेरा मुलाकात हुआ। तो वो बच्चों को सब मतलब सबको प्रमोट कर रहे हैं उनका है, मैं देख रहा हूँ एक अंदर से। नहीं, सर का पहले से वो ऐसा काम करते हैं सब आप उनका छत्र छाया में। मैं भी सोचता हूँ कि कभी 2-4 महीना छुट्टी लेके उनके पास जाऊं और कुछ सीखूं, क्योंकि मेरा भी बचपन से आर्ट का रहता है। और कुछ आप बोलना चाहेंगे आज का युवा के लिए, कुछ बोलना चाहेंगे क्योंकि आप अध्यापक हैं? तो इसमें काम करना बहुत रेगुलेटरी, मतलब रेगुलर जो काम करना है, तो इसके वजह से अच्छा काम बनता है वो। राइट। और इसका प्रिजर्व कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा शेयर करेंगे प्रिजर्व कैसे कर रहे हैं जो इसका वो नेचुरल जैसे है ये? हाँ, इसमें दोबारा डैमेज नहीं हो। हाँ, तो इसमें क्या करना, अलग अलग केमिकल से इसको ये करना पड़ता है। मतलब जैसे इधर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, बराबर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम। टेम्परेचर कोल्ड और हॉट टेम्परेचर से भी कोई फर्क कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसमें केमिकल लगाया जाता है, केमिकल लगाया जाता है। और ये एक आखिरी सवाल है, मैंने किसी से नहीं पूछा यहाँ पे, क्योंकि आर्टिस्ट का जो
कोई भी सब्जेक्ट है उसका पेंटिंग में कोई वैल्यू नहीं है, बट इसका कुछ प्राइस आप लोग रखते हैं क्या, जैसे कुछ सेल किसी को बेचते हैं आप लोग? हाँ रखते हैं, मतलब जैसे आपका तो मुझे लग रहा है कि आप बेचते हैं या नहीं बेचते हैं, तो कितना इसका प्राइस होगा इस वाला पेंटिंग का रफली? बोलिए बोलिए। तो हमने इसको 2.5 लाख के हिसाब से मैं इधर लेके आया। नहीं नहीं वेरी गुड। और वो जो पीछे हम देख रहे हैं उसको आप क्या बोल रहे हैं, इसको जो बोलते ये जो है इसका आप कोई फॉर्म बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, ये कैनवस में नहीं है उसमें? नहीं नहीं, एक क्रिएटिव फॉर्म है ये। इसका क्या प्राइस? इसका 1.5 लाख तक। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग दर्शक से चाहेंगे कि आईफैक्स गैलरी वो लोग रेगुलर आते रहे, जैसे मैं इधर रेगुलर आ रहा हूँ। मैंने कम से कम 100-150 आर्टिस्ट लोगों से इंटरव्यू किया है, वो दिल्ली में आईफैक्स गैलरी सबसे ओल्डेस्ट गैलरी है, तो रेल भवन जो है उधर मेट्रो स्टेशन है सेंट्रल सेक्रेटरी, वहां से आ सकते हैं। और जैसे आप लोग ने अभी हम लोग ने जो वीडियोस देखा है, सबसे पूछा नहीं है प्राइस, क्योंकि वो इनका जो एक एक्सक्लूसिव चीज है जो कि मतलब आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, पूरे वर्ल्ड में आप घूम लेंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि हंसराज जी ने जो प्राइस बताया उसका भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आपको लेना है, क्योंकि आर्टिस्ट को जब वो देगा ना अपना कोई चीज, तो ऐसे रहेगा कि मैं अपना एक फैमिली या बॉडी का एक हिस्सा दे रहा हूँ। तो हम लोग चाहेंगे कि इसका वैल्यू अनमोल है, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।